वेलकम बैक टू द चैनल गुरुजी स्टडी हब। माय नेम इज सुयांशी खंडेलवाल। नाउ वी डिस्कस द इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, क्लास 6, ज्योग्राफी, इंडिया, अवर कंट्री। हम इंडिया के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को हम लोग फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें हम लोग SST, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश वगैरह के जो भी चैप्टर्स हैं उनको कवर अप कराने का पूरा ट्राई करेंगे। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब द बटन एंड हिट लाइक द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू सो मच। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, इंट्रोडक्शन। अब इंडिया के बारे में अब हम लोगों को पता करना है। अभी तक हमने क्लास 6 की ज्योग्राफी में बहुत सारे ब्रॉड चैप्टर्स पढ़े, सोलर सिस्टम, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, एंड अभी हमने लास्ट में पढ़ा मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, जिसमें हमने माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स के बारे में जाना। अब हम इंडिया के अंदर इन सब चीजों का क्या रोल है, इंडियाज में क्या क्या चीजें इसके अंदर है, वो सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हैं। तो फर्स्टली पूरे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ते हैं। सो इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब ये जो इंडिया कंट्री है इसका पूरा जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इतना वाइड एरिया है। इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारे वर्ल्ड के अंदर, और पॉपुलेशन में ये 2nd लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर चाइना। ठीक है, तो अब देखिए आप, द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो रास्ता है, जो वे है, वो है हमारा 3200 किलोमीटर। ठीक है, और कच्छ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक हमारा एरिया है वो 2900 किलोमीटर है। मतलब कश्मीर टू कन्याकुमारी, आपने चेन्नई एक्सप्रेस में गाना भी सुना होगा, कश्मीर टू कन्याकुमारी तक का जो हमें सफर करना होगा वो कितने किलोमीटर का करना होगा, 3200 किलोमीटर का करना होगा। अब 3200 किलोमीटर का हम एरिया कवर कर रहे हैं, चाहे बाइक से जाए चाहे ट्रेन से जाए, तो हमें कितना एरिया कवर करना होगा, एटलीस्ट 3200 किलोमीटर। ठीक है, वहीं ईस्ट टू वेस्ट, ये तो हमारा कौन सा पोल है, नॉर्थ टू साउथ पोल। अब ईस्ट टू वेस्ट यानी वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है और वेस्ट में हमारे गुजरात है, जो कच्छ है। कच्छ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक हमें कितना एरिया कवर करना है, हमें कितना सफर करना होगा, 2900 किलोमीटर तक का एरिया कवर करना होगा। तो देखिए कितनी बड़ी जर्नी है। ठीक है, अब इंडिया के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी भी है। डाइवर्सिटी आपको सिविक्स में भी पढ़ा है आपने, डाइवर्सिटी इट मीन्स भिन्नता। बहुत सारी चीजें हैं इंडिया के अंदर, एक चीज नहीं है। इंडिया इसीलिए एशिया के अंदर एक अलग कंट्री उभर के नजर आता है। आपको पता है इंडिया के नाम पे इंडियन ओशन का जो नाम है वो रखा गया। इंडियन ओशन क्यों रखा गया, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है और वो इंडियन ओशन के ऊपर सूट भी करता है एशिया में। सो सोचिए एशिया के अंदर इंडिया ही एक कंट्री है जिसके अंदर इतनी सारी डाइवर्सिटीज है। अब फर्स्ट डाइवर्सिटी लैंडफॉर्म्स, मतलब हर जगह प्लेन्स नहीं है, सरफेस जो है वो प्लेन नहीं है, फ्लैट लैंड नहीं है, उबड़ खाबड़ भी है। ठीक है, इस टाइप से है, प्लेट्यूज भी है, माउंटेन्स भी है, रिवर्स भी है। ऑलराइट, तो ये सब चीजें लैंडफॉर्म्स के अंदर क्लियर होती हैं। नेक्स्ट है हमारा वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब खान पान। अब इंडिया के अंदर एक ही तरह का खान पान नहीं है। आप राजस्थान में चल जाइए तो वहां पे दाल बाटी चूरमा है, वहीं आप गुजरात में चल जाइए तो खाकरा पापड़ है, और नीचे आप साउथ में आ जाइए तो साउथ में है चावल और मच्छी। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ खाना भी है सब जगह, डिफरेंट टाइप तरीके का खाना भी मिलेगा आपको हर जगह। ठीक है, वेजिटेशन भी अलग है। लैंग्वेज एंड कल्चर, बहुत ज्यादा लैंग्वेज और कल्चर का तो इम्पैक्ट है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, कल्चर हर इंडिया के अंदर हर स्टेट में अलग कल्चर है। राजस्थान के अंदर साड़ी वगैरह चलती है, साड़ी जेंट्स के ऊपर धोती कुर्ता पैंट शर्ट ये सब चलती है। वहीं साउथ में जो है साउथ में साड़ी चलती है लेकिन वो बंगाली टाइप की साड़ीज चलती है। नॉर्थ ईस्ट में सूट जो होता है वो पटियाला टाइप का चलता है,
पंजाब वगैरह में भी पटियाला सूट्स चलते हैं, मतलब अलग 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 तरीके का कल्चर है, अलग अलग तरीके का पहनावा है सब जगह का। आज जो साड़ी मैंने रैप कर रखी है वो अलग तरीके की है, लेकिन आप साउथ में जाओगे तो उनका कल्चर अलग है, उनका साड़ी पहनने का तरीका भी अलग है, ठीक है। तो ये सब चीजें भी हमारे इंडिया के अंदर है। क्लाइमेट सबसे बेस्ट है, इंडिया के अंदर इतने टाइप का क्लाइमेट है। फर्स्टली समर विंटर तो है ही, ऑटुमन स्प्रिंग सीजन भी है, ट्रॉपिकल फॉर्म में भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे क्लाइमेट्स देखे जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी भिन्नताएं हैं, लेकिन फिर भी इंडिया इज अ यूनिक कंट्री। ओके, वाइल्ड लाइफ, अब इंडिया के अंदर इतनी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, इतने नेशनल पार्क्स है, बहुत ही अच्छी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बहुत ज्यादा ग्रीनरी है वहां पे। वन मोस्ट कंट्री है इंडिया जहां पे इतनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, इतना ज्यादा प्रोटेक्शन और जानवरों को मिलता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट विच इज, इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद में सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। वाओ, देखो आप कितनी धड़ल्ले से पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन एरिया तो हमारे पास में छोटा है, लेकिन ये गलत है। हमें थोड़ी पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि एरिया तो सीमित है, लोग रहेंगे कहाँ। अगर ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो लोगों को रोजगार, खाना पीना, एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, इसलिए इनको कंट्रोल करना जरूरी है, वरना चाइना को हम पीछे छोड़ देंगे। अब देखो ये सब चीजें हैं। अब इंडिया के अंदर देखो हिमालयाज रेंज है, यहाँ भी बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है जिससे हमारा मानसून बनता है, ठीक है। हिमालय रेंजेस से हमें रिवर्स मिलती है बहुत सारी, गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, बहुत सारी जो रिवर्स है वो हमें हिमालय के रिजाइन से मिलती है। मतलब हिमालय के रिजाइन से की बात में चाइना कंट्री है। तो देखिए, चाइना के लिए हमें कोई बॉर्डर लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हमारे को बॉर्डर मिला हुआ है हिमालयस का, ठीक है। तो जो ये चाइना हमारे देश का दुश्मन बना हुआ है, पूरे वर्ल्ड का दुश्मन बना हुआ है, इसके लिए हमें तो ऑटोमेटिकली सीमा बनी हुई है, ठीक है। तो देखिए कितनी ज्यादा वाइड हमारी कंट्री है, बहुत ही। अब ये सब चीजें तो हमने इसमें डिस्कस कर ली कि ये चीजें हैं इंडिया के अंदर। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वाले वीडियो में लेकर आने वाली हूँ। लोकेशनल सेटिंग्स, कहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। एंड नेक्स्ट इज इंडिया के नेबर्स, इंडिया के कौन कौन से नेबर्स हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम कहीं भी जाते हैं या फिर हम मान लीजिए मैंने फ्लैट लिया है, तो मैं आसपास का एरिया तो देखूंगी ना कि कैसा है कैसा नहीं है, तो नेबर्स को जानना भी बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट विच इज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन एंड फिजिकल डिवीजन। देखियो, पॉलिटिकल और फिजिकल में आपको डिफरेंस मैंने पहले भी बोला था कि आपको समझ लेना इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज क्या होगा कि आपको आगे इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं हो। तो पॉलिटिकल रिजाइंस यानी उसमें आपकी स्टेट्स, सिटीज, ये सब चीजें क्लियर होती हैं पॉलिटिकल मैप के अंदर। स्टेट, सिटीज, ये सब चीजें आती है, स्टेट, सिटीज, कैपिटल्स वगैरह, जो भी हमारे विलेजेस है, टाउन्स है, ये सब चीजें पॉलिटिकल में क्लियर होती हैं। फिजिकल डिवीजन में हम लोग रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ये सब चीजें डिस्कस करते हैं, डेजर्ट वगैरह, कि फिजिकली कैसा है हमारा इंडिया, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टिल देन स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, गुड बाय।